नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी, हम ललितपुर में हूँ। ललितपुर से तकरीबन 3 किलोमीटर आप आगे जैसी मसौरा की तरफ बढ़ेंगे, गोविंद सागर डैम की तलघटी आपको दिखाई देगी। हमारे पीछे पलारी जलाई जा रही है, खेत में आग लगी हुई है। जो भी जो गोविंद सागर डैम की तलघटी या कहें कि भराव क्षेत्र है, जिला प्रशासन मात्र 3 किलोमीटर दूर है। जिलाधिकारी जाते हैं क्षेत्र में, कहीं आग लगी हुई नजर आते हैं, स्थानीय लोगों पर मुकदमा लिखवाने की बात करते हैं। यहाँ महज 3 किलोमीटर दूर शहर से लगे हुए, कहीं गोविंद सागर डैम तो शहर का ही एक हिस्सा है, वहाँ सामने आग लगी और हम हाईवे पर हैं, NH 44 पर, तो सामने आग दिखाई दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो न्यायालय के आदेश हैं, जो शासन आदेश हैं, उसका इम्प्लीमेंट किस तरीके से होता है। हम तो एक ही चौपाई कहते हैं, सक्षम को नहीं दोष गुसाई। जो व्यक्ति सक्षम है वो कुछ भी करते रहे, प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाएगी। अगर वो सत्ताधारी पार्टी से हो तो फिर कहने क्या हो। खैर, हम रिजी में राजनीति नहीं ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं वो कौन सी पार्टी के हैं, लेकिन अधिकांश कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से प्रभाव बना ले जाता है। प्रशासन इसी तरीके से पराली जलवाता रहता है, कार्रवाई नहीं कर पाता है। गरीब असहाय जिनका कोई शोर से पारस ना हो, उन पर कार्रवाई तो तत्काल करा दी जाती है और बाय बाय लूट ली जाती है। जिलाधिकारी जी ध्यान दीजिएगा। नमस्कार। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज़ द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।